बॉलीवुड में आए दिन किसी ना किसी स्टार के अफेयर या ब्रेकअप की खबरें आती रहती हैं, वहीं कुछ कपल्स लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी भी कर लेते हैं। लेकिन आज हम आपको बी टाउन की उन जोड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका धर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन उनके बीच प्यार की कोई कमी नहीं। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड की मशहूर हिंदू मुस्लिम जोड़ियों के बारे में। इमरान हाशमी और परवीन सहानी। बॉलीवुड में सीरियल किसर के नाम से मशहूर इमरान हाशमी अपनी असल जिंदगी में बहुत ही खुश रहते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इमरान एक मुस्लिम परिवार से हैं, जबकि उनकी पत्नी परवीन एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इमरान और परवीन की लव स्टोरी बहुत ही पुरानी है और दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से डेट कर रहे थे। ऐसे में बॉलीवुड में करियर बनाने के बाद साल 2006 में दोनों ने शादी कर ली। इमरान और परवीन का एक बेटा भी है जिसका नाम अयान हाशमी है। सुनील दत्त और नरगिस। बॉलीवुड में जब भी दो अलग धर्मों के लोगों की लव स्टोरी का जिक्र किया जाता है तो उसमें नरगिस और सुनील दत्त का नाम जरूर शामिल होता है। इन दोनों एक्टर्स ने उस दौर में अपने प्यार का इजहार किया जब हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच काफी दूरियां थी। ऐसे में पर्दे पर किरदार निभाते निभाते सुनील दत्त नरगिस के प्यार में पड़ गए, जो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। हालांकि एक दूसरे के प्यार में पड़ने के बाद नरगिस और सुनील दत्त ने साल 1958 में शादी कर ली, जिसके बाद संजय दत्त, नर्मदा दत्त और प्रिया दत्त का जन्म हुआ। हालांकि सुनील दत्त ज्यादा समय तक नरगिस के साथ नहीं रह पाए क्योंकि कैंसर की वजह से 1981 में नरगिस की मौत हो गई। सैफ अली खान और करीना कपूर। सैफ अली खान ने साल 2012 में करीना कपूर से शादी की थी। इससे पहले इन दोनों का लंबे समय तक अफेयर भी चला था। आपको बता दें कि सैफ एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जबकि करीना एक पंजाबी फैमिली का हिस्सा हैं। ऐसे में उनका अपने धर्म से बाहर शादी करने का फैसला कई लोगों को पसंद नहीं आया था। हालांकि इससे सैफ और करीना के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको बता दें कि करीना से पहले सैफ ने साल 1991 में अमिता सिंह से शादी की थी और वह भी एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। शाहरुख खान और गौरी खान। दिल्ली की गलियों में शुरू हुई शाहरुख खान और गौरी की लव स्टोरी आज भी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने अपने प्यार के बीच धर्म को नहीं आने दिया। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद शाहरुख ने साल 1991 में गौरी छिब्बर से शादी कर ली, जो बाद में गौरी खान बन गई। शाहरुख और गौरी के तीन बच्चे हैं और ये कपल अपनी लव स्टोरी की वजह से बी टाउन में काफी मशहूर भी है। सुनील शेट्टी और माना शेट्टी। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी अपने प्यार और शादी के बीच धर्म को नहीं आने दिया, तभी तो उनकी लव स्टोरी आज भी चर्चा में रहती है। दरअसल सुनील शेट्टी और माना की मुलाकात एक केक शॉप पर हुई थी, जिसके बाद पहली नजर में ही सुनील उन्हें अपना दिल दे बैठे। सुनील शेट्टी ने माना से दोस्ती करने के लिए पहले उनकी बहन से दोस्ती की और फिर मौका देखकर माना को प्रपोज कर दिया। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सुनील शेट्टी और माना ने साल 1991 में शादी कर ली। आपको बता दें कि शादी से पहले माना एक मुस्लिम परिवार का हिस्सा थी और उनका पूरा नाम माना कादरी था। तो ये थे बॉलीवुड के वे कपल्स जिन्होंने प्यार और शादी के बीच धर्म को कभी नहीं आने दिया। इन स्टार्स ने न सिर्फ अपने धर्म से बाहर शादी की बल्कि उसे निभाकर भी दिखाया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जब प्यार किया तो डरना क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।